अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश और फिले बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत आसानी से आप इजीली घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर फ्रोज़न बोनलेस फ़िश। आप कोई भी फ्रोज़न बोनलेस फ़िश यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर कांटा वगैरह नहीं होता। तो ये फ़िश फिलेस भी आपको मिल जाते हैं, बिस्किट्स भी आपको मिल जाते हैं, जिस तरह से मैं अभी ख़ुद जो है वो इसका एक बिस्किट बना रही हूँ। बिस्किट ये होते हैं कि इसको जो बिल्कुल बर्गर के शेप में कट किया हुआ होता है, एक पैटी बनाया हुआ होता है, तो उसको बिस्किट्स भी बोलते हैं। अदरवाइज़ इसके बोनलेस फिलेस भी मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये दो फिलेस ले रही हूँ और दो फिलेस को मैंने इस तरह से एक बर्गर पैटी की फॉर्म में कट कर दिया। अब हम करेंगे इसको यहाँ पर मैरिनेट, लेकिन मैरिनेट करने से पहले हमें यहाँ पर इसको डिप करना है विनेगर के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिया था ऑलमोस्ट एक कप पानी और इसके अंदर 2 to 3 टेबलस्पून विनेगर ऐड करके इसके अंदर फ़िश को हम लोग डिप कर देंगे। दैट मीन्स कि हम इसे ब्राइन करेंगे और ये हम करेंगे फॉर अबाउट 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स फ़िश फिलेस जो हैं वो हमारे अच्छे से ब्राइंड हो गए हैं। और अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जो कटिंग बोर्ड यूज़ करना है वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। फ़िश फिलेस को रख के यहाँ पर पैड ड्राई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर। अच्छा, इसका कलर फ़िश फिले का आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, बिकॉज मैंने इसको थोड़ा सा अजवाइन और सॉल्ट के साथ ज़रा वॉश कर लिया था, तो कट ऑफ इट स्मेल कि थोड़ी सी जो एक फ़िश की स्पेसिफिक स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। वो हर फिश के अंदर होती है, तो मैंने भी इसको जो है वो थोड़ा सा कर लिया था। अदरवाइज़ आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पैड ड्राई कर लेंगे। पैड ड्राई करने के बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर इसकी मैरिनेशन। बहुत आसान मैरिनेशन है और बहुत ईजिली आप ये बर्गर्स घर पे बना सकते हैं। यहाँ पर इसको पैड ड्राई करने के बाद एक बोल में ऐड करेंगे और फिर इसकी मैरिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैरिनेशन में बहुत नॉर्मल स्पाइसेस आते हैं, सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी सॉल्ट लगाया था। तो अगर आपने नहीं लगाया तो आप 1.5 टीस्पून ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर रेड चिली पाउडर का और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर हम फ्रेशली ग्राइंडेड ब्लैक पेपर पाउडर। ये भी आपने ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के जितनी रखनी है। मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ। अगर आपने स्पाइसी नहीं रखना तो फिर आप माइल्ड की तरफ जाना है, तो फिर आप 1/2 टीस्पून भी ऐड कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, ये भी ऑप्शनल है। साथ ही ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर ऑलमोस्ट 1/3 टीस्पून और इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के विनेगर। ये मैरिनेशन अच्छे से हम लोग अपनी फ़िश के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। अच्छे से इसी मैरिनेशन के अंदर फ़िश को प्रॉपरली कोट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा और इसके साथ ही ऐड करना है 1 टेबलस्पून आपने भर के इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का भर के ऐड कीजिएगा अच्छी तरह से। फुली हीप्ड मैंने कॉर्नफ्लोर का 1 टेबलस्पून जो है वो लिया। ये ऐड करके अगेन इसको हम लोग अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे और ये सारा मैरिनेशन फ़िश के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। अच्छे से मैरिनेट करने के बाद यहाँ पर हमें इसको मैरिनेशन के लिए रेस्ट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पर फ़ौरन से मैरिनेट करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम इस मैरिनेशन को कोट करेंगे इन ब्रेड क्रम्स। मैंने यहाँ पर होममेड ब्रेड क्रम्स लिए हैं। आप मार्केट वंस भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो यूज़ कीजिएगा जो वाइट कलर में होते हैं। वाइट कलर के जो फाइनली ग्राइंडेड ब्रेड क्रम्स होते हैं आपने वो यूज़ करने हैं। मैंने होममेड ही यूज़ किए हैं। आप चाहें तो आप भी होममेड यूज़ कर सकती हैं। तो अच्छी तरह से आपने प्रॉपरली इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर। प्रॉपरली अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट होनी चाहिए।
दोनों फिश फिलेज को मैंने अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है, साथ ही मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम लोग यहाँ पर वन बाय वन दोनों फिलेज इसके अंदर ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, और इसका फ्राइंग का टाइम बहुत मिनिमम होता है, हार्डली 5 to 8 मिनट्स। 5 to 8 मिनट्स के लिए फिश जो है वो अच्छे से प्रॉपरली फ्राई हो जाती है, बट मेक श्योर कि आप इसके नीचे जो फ्लेम है वो मीडियम रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई या मीडियम हाई फ्लेम रखने से ब्रेड क्रम्स जो है उनका कलर बहुत जल्दी चेंज होगा। तो आपको लगेगा कि फ़िश जल रही है, आप जल्दी उसको डिश आउट कर लेंगे तो फ़िश अंदर से कच्ची रह जाएगी। आफ्टर एवरी 3 मिनट्स इसको हम लोग यहाँ पर साइड चेंज कर लेंगे, और दूसरी साइड पर भी इक्वली इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ़िश मैंने अच्छे से फ्राई कर ली थी, अब यहाँ पर रह गए हैं बर्गर बंस को टोस्ट करना, तो इनको भी मैंने बटर लगाकर टोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बर्गर बंस भी मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है, इसके साथ ही मैंने ये सॉस रेडी की है जिसमें मैंने ली है गार्लिक मेयो, इसके अंदर ऐड किया यहाँ पर मैंने थोड़ी सी केचप, और साथ ही ऐड किया थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स के बर्गर जैसा आता है। बन के लोअर पार्ट के ऊपर यहाँ पर हम सॉस अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर फिश फिले रख देंगे। यहाँ पर इफ़ यू गाइस वांट तो आप यहाँ पर जो फ्राइड चीज़ स्लाइस होता है वो भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर फ्राइड चीज़ स्लाइस नहीं रख रही, मैं यहाँ पर प्लेन चीज़ स्लाइस रख रही हूँ। इसके ऊपर सेकंड जो टॉप है हमारे पास बर्गर बन का वो रख देंगे, दूसरा बर्गर भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो इन बर्गर्स को फ्राइज़ के साथ या कोल्सलो वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसके अंदर सैलड लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ऐड नहीं होती, तो आप इसलिए मैंने इसको जो है वो एज इट इज़ ही रिक्रिएट किया है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, डू शेयर योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।